Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. Okay, chalo aaj ka jo hamara session hai, without time waste kiye hue, aaj ka jo hamara session hai, that is of noun, noun ka session hai. Kaafi dinon se bachcho ka demand articles pe bhi aa raha hai ki ma'am article ka bhi ek session le aaiye. So we'll be doing the practice set of article as well. Okay, aaj ka jo session hai, that is of noun. Noun ka session hai, practice set liya hua hai maine, chalo start karte hain. ईजी टॉपिक है नाउन. वॉट आई फील नाउन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स है. आर्टिकल्स में इतना छोटा सा एरर होता है ना, दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पॉट आउट द एरर्स ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, चलो नाउन का प्रैक्टिस सेट है. पहला वाला सेंटेंस लेते हैं. द मदर इन लॉज गैदर्ड टूगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इश्यूज दैट हैड टू बी सॉर्ट आउट दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट. सॉर्ट आउट करना मतलब सोल्यूशन निकालना. मदर इन लॉज, नो डाउट नाउन का सेट है तो आपकी नज़र सेंटेंस में नाउन पे ही होनी चाहिए. ओके, बच्चों को दिक्कत कब आता है, तब आती है ना जब एरर मिसलेनियस होता है. मिसलेनियस भी काफ़ी हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे एरर्स किया है. बट अब चलो नाउन देखते हैं. द मदर इन लॉज, मदर इन लॉज का प्लूरल क्या होता है? जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में लगा देते हैं, एस लगाते हैं लास्ट वर्ड में. जैसे हमारा मदर इन लॉ है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर अकेला मदर होता, अकेला मदर होता तो आप मदर्स लगाते, मदर्स लगाते, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में एस लगाते हैं. बट जब भी कोई कंपाउंड नाउन आ गया, कंपाउंड नाउन किसे बोलते हैं? कंपाउंड नाउन जो दो या तीन वर्ड से बना है बट रिलेशन तो एक ही बता रहा है. ठीक है, मदर इन लॉ तीन वर्ड से बना है बट रिलेशन तो एक ही बता रहा है, तो मदर इन लॉ को प्लूरल करने के लिए एस लॉज में नहीं लगाएंगे. मदर इन लॉ का रूट वर्ड क्या है? मदर इन लॉ का रूट वर्ड इज मदर, मदर इज द रूट वर्ड, तो आंसर शुड बी मदर्स इन लॉ. ओके, मदर इन लॉज नहीं होगा. अगर अकेला इन लॉज होता ना, अकेला इन लॉज होता, इन लॉज का घर, तो उसमें एस लग सकता था. तो पहला वाला में हमारा एरर है, पहला वाला एरर है, मदर इन लॉज नहीं होगा, इट शुड बी मदर्स इन लॉ, एस मदर में लगेगा. कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए उसका प्लूरल हम जो एस लगाते हैं उसके रूट वर्ड में लगाते, मेन वर्ड इज रूट मदर. Her hair was messed up badly in the wind. By the time she reached the hall, by the time जब तक वो हॉल पहुंची, उसका हेयर पूरी तरह से messed up हो गया था. और हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, एज यू पीपल नो हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, हेयर का हेयर्स नहीं होगा. हर हेयर वॉज मेस्ड अप, हेयर वॉज मेस्ड अप. नेक्स्ट, वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फार बेटर देन मैन एथलीट्स. ये भी कंपाउंड नाउन है, इसको भी हम कंपाउंड नाउन बोलेंगे. ठीक है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने के लिए एस हम उसके रूट वर्ड में लगाते हैं. जैसे अभी मदर इन लॉ में मैंने मदर्स में लगाया, बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना, यहां तो मैंने एक ही का प्लूरल किया. देखो यहां मैंने स्लाइड ले रही हूं, यहां मैंने मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का प्लूरल करने के लिए एक वर्ड में एस लगाया, मैंने लॉ में नहीं लगा के मदर्स में लगाया. उसी तरह आपका पासर बाय होता है, ठीक है, पासर बाय, पासर बाय का प्लूरल बायज में नहीं लगाओगे, पासर में लगाओगे, इट्स पासर्स बाय. उसी तरह आपका चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का मेन वर्ड देखो, चीफ मिनिस्टर का मेन वर्ड इज नॉट चीफ, चीफ मेन वर्ड इज मिनिस्टर. मुख्यमंत्री का मेन वर्ड इज नॉट मुख्यमंत्री, तो हम चीफ मिनिस्टर्स पर लगाएंगे. तो जनरली कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए वी एड एस टू द रूट वर्ड, मेन वर्ड, किसी एक वर्ड में एस डाल के प्लूरल बनाएंगे. मदर में डाला, पासर बाय में, पासर्स में डाला, चीफ मिनिस्टर में, मिनिस्टर्स में डाला. बट देर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जिसमें हमें दोनों का प्लूरल करना होता है. जैसे मैन और वुमेन वाला, मैंने लिखा वुमेन सोल्जर और फिर लिखा मैंने मैन सोल्जर,
मैन सोल्जर, तो मैन और वुमेन वाला जब भी आता है ना, तो उसमें दोनों का प्लूरल बनाना है. वुमेन सोल्जर का प्लूरल में वुमेन को भी ऑल्सो वी हैव टू डू प्लूरल, एंड सोल्जर का भी ऑल्सो वी हैव टू डू प्लूरल. तो वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ द वर्ड्स. उसी तरह मैन का भी, मैन का मैन और सोल्जर का सोल्जर्स. तो जब भी कंपाउंड नाउन मैन और वुमेन वाला आ गया, मैन और वुमेन वाला आ गया, तो वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ द वर्ड्स. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैन और वुमेन वाला आ गया बट हम दोनों का प्लूरल नहीं बनाते. जैसे लिखा मैंने मैन हेटर, मैन को हेट करने वाला, तो यू विल फील कि इसका भी प्लूरल बनाओ, मैन और हेटर्स बना दो. बट दिस इज रॉन्ग. इसमें एक ही का प्लूरल बनेगा, मैन हेटर नहीं होगा, इसमें होगा मैन हेटर्स, एक ही का प्लूरल बनेगा. देन देर अराइजेज अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी गेट टू नो वेदर वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ द वर्ड्स और वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ ओनली वन वर्ड व्हेन इट कम्स टू मैन एंड वुमेन. जब मैन और वुमेन आ गया तो कैसे पता चलेगा दोनों का प्लूरल बनाए या किसी एक का प्लूरल बनाए. दोनों का प्लूरल तब बनेगा ना जब हम किसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्रोफेशन, जब भी, जैसे सोल्जर होना एक प्रोफेशन है, सर्वेंट होना एक प्रोफेशन है, एथलीट भी आपका प्रोफेशन है. तो जब भी प्रोफेशन की बारी आएगी, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, तो वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ. लिखा मैंने मैन एथलीट, मैन एथलीट. एथलीट होना भी एक प्रोफेशन है ना, एथलेटिक्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो एथलीट होना भी प्रोफेशन है. और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, वी हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ. यहाँ मेन भी करोगे, मैन का प्लूरल मेन भी करोगे, एथलीट का प्लूरल एथलीट्स भी करोगे. जैसे मैन सर्वेंट, सर्वेंट भी एक प्रोफेशन है. बट मैन हेटर, मैन हेटर मनुष्य से हेट करने वाला, मैन से हेट करना, मैन हेटर इज नॉट अ प्रोफेशन. यहाँ प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है. तो वी डोंट हैव टू मेक द प्लूरल ऑफ बोथ. मैन हेटर में मेन वर्ड हेटर है, इसलिए हम हेटर का प्लूरल्स करेंगे. ओके हाँ, तो यहाँ भी वुमेन एथलीट्स, यहाँ भी एथलीट्स होना, एथलीट्स इज अ प्रोफेशन, और प्रोफेशन की बात हो रही है तो दोनों का प्लूरल है. यहाँ पे प्लूरल है भी, वी हैव मेड द प्लूरल ऑफ बोथ द वर्ड्स. हैव परफॉर्म फार बेटर, बट एरर लाइज इन दिस पार्ट, एरर लाइज इन दिस पार्ट, बिकॉज मैन एथलीट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन. और जब प्रोफेशन की बात करोगे तो दोनों का बनेगा, मैन एथलीट्स, मैन, इसका भी प्लूरल, इसका भी प्लूरल, और यहाँ तो दोनों का प्लूरल है ही. सो द एरर वॉज इन दिस पार्ट. He knocked out four tooths of his assailant with a single punch that night. And generally we make the plural by using s, es या is. But there are certain nouns जिसका plural s लगा के नहीं बनाते. It's not कि tooth का plural tooths होता है. Tooth का plural is teeth. Since we are talking about four, हम four की बात कर रहे हैं. Four की बात कर रहे हैं तो four tooths नहीं होगा, four teeth होगा. Tooth का plural tooths नहीं होता है, teeth होता है. We got to see many beautiful sceneries during the Darjeeling trip. क्या है इसमें error? What is the error in the next sentence? Error इस part में है. Scenery का plural sceneries नहीं होता है. We have, जैसे scene है. Scene का plural, यहाँ पे लिख रही हूँ. हाँ, scene का plural scenes होता है. Okay, scene है. Scene का plural you can make scenes. सिंगुलर है, सीन्स प्लूरल. और बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे सीन्स इकट्ठा मिलके सीनरी बनाता है, सीनरी बनाता है. ओके, तो सीन का प्लूरल सीन्स होता है. बट वी डोंट हैव द प्लूरल ऑफ सीनरीज, वी डोंट हैव अ वर्ड लाइक सीनरीज. वर्ड इज सीनरी, सीनरी वर्ड. ओके, तो यहां से सीनरी हो, सीनरीज नहीं, सीनरी. ओके, द स्कल्पचर हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल डमी. डमी इज एफिजी, एफिजी का मतलब होता है पुतला, पुतला बनाया है. स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार. हाँ, वॉट इज द एरर इन द सिक्स्थ सेंटेंस? देखो स्कल्पचर, यहाँ भी आपको ध्यान देना है. वी हैव अ वर्ड स्कल्पचर, स्कल्पचर, और ये है स्कल्पचर. Both of them are nouns. दोनों noun है, but दोनों में difference क्या है? This is the person. इसको हम बोलते हैं मूर्तिकार, और ये है मूर्तिकला, मूर्तिकला. Spelling इधर उधर हिंदी का होगा, forgive me, माफ कर देना.
स्कल्पचर है ना, स्कल्पचर इज द पर्सन ही, ये स्कल्पचर उस व्यक्ति को बोलते हैं हु मेक्स आइडल्स, जो मूर्ति बनाता है, पर्सन हु मेक्स इमेजेस आइडल्स, यहाँ आइडल्स का मतलब मूर्ति के सेंस में रखा है, आइडल्स एंड स्टैचूज के सेंस में. तो स्कल्पचर इज द पर्सन जो मूर्ति बनाता है, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग मूर्ति इज स्कल्पचर. सो दिस स्कल्पचर इज द आर्ट, मूर्ति बनाने की कला, और ये तो द पर्सन हु मेक्स. तो यहाँ पे सेंस देख लो, यहाँ पे पहले आप अपना सेंस देखोगे किस सेंस में जा रहे हैं. हैज मेड, हु हैज मेड, ब्यूटिफुल डमी, मूर्तिकला ने ब्यूटिफुल डमी नहीं बनाया, द पर्सन हैज मेड अ डमी. तो यहाँ पे ये वाला स्कल्पचर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए, स्कल्पचर टी यू आर, बिकॉज हियर आई एम हियर वी आर रेफरिंग टू अ पर्सन हु हैज मेड दैट इमेज, उसके लिए. नेक्स्ट, एयर इज नॉट टू गुड फॉर योर इंटेलेक्ट. मैंने जब नाउन का सेशन लिया था तो आई हैड टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड एयर्स, एयर एंड एयर्स के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने. जैसे एयर, एयर का मतलब है हवा, एयर इज द एटमोस्फियर, ठीक है, एयर हमारे एटमोस्फियर को बोलते हैं, एटमोस्फियर हवा के लिए यूज हो रहा है. एंड वट इज एयर्स, एयर्स का मतलब होता है घमंड, डोंट टॉक टू हर, डोंट टॉक टू हर, शी इज इन एयर्स नावर डेज, वो एयर्स में है, हवा में है, मतलब घमंड में. तो ये एयर्स प्राउड, वैसे प्राउड तो पॉजिटिव सेंस में भी होता है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, बट प्राउड हम नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं, घमंड के सेंस में. यहाँ मैंने घमंड के सेंस में लिया है, घमंड के सेंस में उसको बोलते हैं कंसीट, वैनिटी, ये सब तो किया है हम. ओके, ये एयर्स का मतलब है घमंड. और एक एयर्स का, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़ वॉज इन एयर्स, अभी सुशांत सिंह का न्यूज़ इज इन एयर्स, एयर्स में है मतलब चर्चे में है, हाईलाइट है, हाईलाइटेड है. तो यहाँ किस सेंस में, एयर इज नॉट गुड फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए एटमोस्फियर गुड नहीं है, घमंड आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात नहीं है. तो यहाँ पे एयर्स होगा, एयर्स, एयर्स, एयर्स. ओके, बिजनेस हाउसेस हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इंपोर्ट्स. चलो इसको एक बार इरेज कर देती हूँ. तो यहाँ पे एयर्स, घमंड आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात नहीं है, जहाँ भी नॉलेज है वहाँ घमंड नहीं होनी चाहिए. हवा आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात नहीं है, हवा का सेंस तो नहीं आ रहा. हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस हाउसेस हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इंपोर्ट्स. हाँ, बिजनेस हाउसेस को कस्टम टैक्स पे करना होगा. एंड व्हाट इज द मीन डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड कस्टम्स. कस्टम इज द रीति रिवाज, द ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन. और एक वर्ड होता है कस्टम्स, कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है ना, कस्टम, कस्टम्स डिपार्टमेंट, एक्साइज, जो टैक्स लगाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे. हमारे सीजीएल में एक पोस्ट है, कस्टम्स का भी है, एक्साइज का भी है. तो यहाँ पे जो टैक्स है, द टैक्स विच इज लेविड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, उसको कस्टम टैक्स नहीं बोलते हैं, इसको कस्टम्स. माई ब्रदर इज अ कस्टम ऑफिसर नहीं बोलोगे, कस्टम्स, कस्टम डिपार्टमेंट में नहीं है, कस्टम्स डिपार्टमेंट में. अगर इसमें एस नहीं लगा होगा ना तो उसका मीनिंग तो रीति रिवाज, ट्रेडिशन के सेंस में जाएगा. नेक्स्ट, रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस. हाँ, कहाँ पे एरर है, यहाँ पे ये एरर है, एयर्स, कस्टम्स लगाया था, यहाँ पे एरर. रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस, अगेन रिच, रिचेस, यहाँ, यहाँ रिच, एक होता है रिच, इसको समझो, इसको भी फिर से समझना है. एक है रिच, रिच इज अ, रिच इज एन एडजेक्टिव, रिच एडजेक्टिव होता है. कभी कभी हम रिच को नाउन भी बना देते हैं, द रिच, द रिच हो गया, मीन्स नाउन हो गया, द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल. आई एम रेफरिंग टू द रिच क्लास, सारे अमीरों की कम्युनिटी को, ऑल द रिच मतलब रिच कम्युनिटी के लोगों, दुनिया के सारे अमीरों के लिए बात हो रही है. तो अब ये जो द रिच है ना, द लग गया, इसमें नाउन हो गया, और द रिच के साथ इज नहीं लगाओगे, द रिच आर, द पुअर आर, ये प्लूरल होता है, बिकॉज आई एम रेफरिंग टू ऑल द रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो ये नाउन बन गया, अकेला ये रिच था तो ये रिच, आई कैन टॉक, आई कैन टेक दिस रिच फॉर अ सिंगल पर्सन, एक अमीर की भी बात कर सकती हूँ.
ये एडजेक्टिव है बट इसमें द लग गया है, नाउन आ गया है. द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ आर लगेगा. ठीक है, रिच तो लोगों के लिए, और एक वर्ड होता है द रिचेज ऑफ द वर्ल्ड. जब रिच तो अमीर के लिए है, बट इफ आई एड एस टू इट ना, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड चेंजेस. देर आर सर्टेन नाउन जिसमें एस लगता है तो मीनिंग चेंज होता है. मैंने आपको इसका सेशन भी दिया हुआ. जैसे वुड, वुड का मतलब लकड़ी, वुड, और वुड्स इज जंगल, वुड्स इज जंगल. आयरन, आयरन इज मेटल, एंड आयरन इज चेन्स, फेटर्स, शैकल्स. आयरन का मतलब होता है जंजीरें, बेड़िया, बेड़िया. तो यहाँ द रिचेज ऑफ द वर्ल्ड सही है. द रिचेज ऑफ द वर्ल्ड मीन्स द वेल्थ, वेल्थ. एक रिच का मतलब तो होता है अमीर लोग, रिच, द रिच लोगों के सेंस में, यहाँ लोगों के सेंस में. बट रिचेज मतलब होता है संपत्ति, वेल्थ. इंडिया इज प्राउड ऑफ हर रिचेज, वेल्थ. तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या जाना चाहिए आंसर. नो एरर जाएगा. रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस. तो रॉबिन अपनी संपत्ति को लेके उसको घमंड है. तो यहाँ रिचेस वर्ड हो सकता है. ठीक है, यहाँ रिचेस वर्ड हो सकता है, संपत्ति के सेंस में जा रहा है. बट अगर मैं रिच पीपल के लिए यूज करूँ ना, द रिच पीपल के लिए यूज करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, तो मैं वहां पे रिचेस नहीं लगाऊंगी. Why won't I use S? Because the rich अपने आप में plural है. The rich मतलब दुनिया के सारे अमीर. तो इसमें S लगाने की ज़रूरत नहीं है. But यहाँ S लगा है फिर भी सही है, क्योंकि यहाँ riches में जब S लगा, इसका meaning wealth के sense में चला गया. The present datas show that the death rate has fallen down. Data का मतलब है आंकड़े, present data. और data अपने आप में plural है. Data का singular datum होता है. डेटम इज सिंगुलर और इसका प्लूरल इज डेटा. तो डेटा इट सेल्फ इज प्लूरल, तो फिर उसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं. डेटाज हो गए, डेटा, डेटा. द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड. हाँ, जज ने ऑर्डर किया. अभी मैंने तुरंत बताया, आयरन का मतलब होता है मेटल, और आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां, जंजीरे, चेन्स, फेटर्स, बॉन्डेड, जिसको हम शैकल्स बोलते हैं, जंजीरें. तो जज ने क्या ऑर्डर किया है, जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसके मेटल को रिमूव नहीं करो, उसके जंजीरों, उसके चेन्स को रिमूव करो. तो यहाँ पे आयरन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी आयरन्स, आयरन्स. दीज आर ऑल रिलेटेड टू नाउन इन द कॉन्टेक्स्ट दैट देर आर सर्टेन नाउन्स जिसमें एस लगता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है. आयरन का मतलब होता है मेटल, और आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, जंजीरें. इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियन सैनिक को, इंडियन फोर्स को जाना जाता है अपनी वफादारी और लॉयल्टी, इंटीग्रिटी के लिए. और ये भी आपने पढ़ लिया है, फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स. फोर्स का मतलब होता है पावर, बल, मास इनटू मास, एक्सेलरेशन वाला फोर्स है बल. और ये फोर्सेस का मतलब होता है दल. इंडियन फोर्सेस जो है ना, जिसमें हमारा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब है, ये सैनिकों के लिए. ठीक है, ये सैनिकों के लिए. तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, इंडियन, इंडियन सैनिकों को, इंडियन दल को. तो यहाँ पे फोर्स नहीं होना चाहिए, फोर्सेस, 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 आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस. वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी. दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नाउन. जनरली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एग्जाम में एरर्स आता है. वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी. डोरी के खिलाफ, दहेज के खिलाफ वुमेन आफ्टर वुमेन ने बोला. अब आपके दिमाग में आएगा कि वुमेन, एक के बाद एक वुमेन आए डोरी के खिलाफ बोलने के लिए, डोरी के अगेंस्ट में तो बहुत सारे वुमेन आए, तो आप प्लूरल करना चाहोगे. बट यहाँ पे आंसर प्लूरल नहीं होगा, वुमेन होगा. इसका भी कॉन्सेप्ट बताती हूँ. ई एन नहीं लगा, नहीं आया, ई एन नहीं लगेगा, ए एन लगेगा, सिंगुलर होगा. क्यों? अगर अगर हमारा दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़ा हो, प्रेपोजिशन के दोनों साइड नाउन सेम हो, जैसे मैं लिखूं डेज बाय डेज, डेज बाय डेज इज बिकमिंग वीकर, तो ये गलत है. ये देखो, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है बाय, और प्रेपोजिशन के साथ अगर, प्रेपोजिशन के अगल बगल अगर दो नाउन हो, अगर दोनों नाउन सेम हो, दोनों नेम नाउन सेम हो, तो उस नाउन को सिंगुलर होना है. डेज बाय डेज नहीं होगा, इट्स डे बाय डे, डे बाय डे.
ओके, इफ ऑन आइदर साइड ऑफ अ प्रेपोजिशन वी हैव टू सेम नाउन्स, सो दैट नाउन हैज टू बी सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर हो. लिखा मैंने पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता वॉज या वर रेड. एक के बाद एक पेज गीता, गीता बुक का, बुक की बात कर रही हूँ, यहाँ पे द लगाया, एक एक के बाद एक पेज पढ़ा गया गीता का. तो आपको लगेगा कि काफ़ी सारे पेजेस पढ़े गए, तो आपको लगेगा प्लूरल होनी चाहिए, बट गलत है. यह प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के दोनों साइड नाउन सेम है, तो उस नाउन शुड बी, उस नाउन को क्या होना है, सिंगुलर होना है. इट्स पेज आफ्टर पेज, इट्स नॉट पेजेस आफ्टर पेजेस, इट्स पेज आफ्टर पेज. एंड इफ द नाउन इज सिंगुलर द वर्ब ऑल्सो हैज टू बी सिंगुलर, वर्ब को भी सिंगुलर होना है. ओके, डोर्स टू डोर्स नहीं बोलोगे, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा. देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के दोनों साइड नाउन सेम है, सिंगुलर होगा डोर टू डोर. उसी तरह पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ बुक्स वर अरेंज्ड, किताब की कतार पे कतार अरेंज की गई, पाइल्स ऑन पाइल्स, गलत है. ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के आगे पीछे दोनों नाउन सेम है, तो उस नाउन को सिंगुलर होना, इट्स पाइल ऑन पाइल. और पाइल ऑन पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑन पाइल ऑफ बुक्स वॉज या वर, यहाँ वॉज होगा, वॉज, सिंस हमारा नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल हटा के मैंने सिंगुलर किया, तो वर्ब को भी सिंगुलर आना चाहिए. उसीलिए मैंने यहाँ पे आपका वुमेन आफ्टर वुमेन किया. ये देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम है, अगर प्रेपोजिशन के दोनों साइड का नाउन सेम है, उस नाउन को सिंगुलर होना है, ए लगा के सिंगुलर किया मैंने. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स, हैव्स और हैव्स नॉट. हाँ, अब सेंटेंस देखिए, हैव्स किसको बोलते हैं, जो लोग सक्षम है, हैव्स किसके लिए है, जो द पीपल हु आर रिच, और हैव्स नॉट में जो पीपल हु आर पुअर. पॉपुलेशन दो कैटेगरी में है, जो एक जो सक्षम है और एक जो सक्षम नहीं. अभी तो लाइव नहीं हो, कैसे पूछूंगी कौन सा आंसर होगा, मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही बताऊंगी भी आंसर. हैव्स, हैव्स तो चलो ठीक है, हैव्स का प्लूरल कर दिया, जो लोग सक्षम है. अब आप बताओ कि हैव नॉट में विच इज द मेन वर्ड, हैव नॉट्स में, हाँ दोनों, ये हैव नॉट कंपाउंड नाउन है. अब ध्यान रखना है कि किसका प्लूरल बनाया जाए, नॉट का प्लूरल बनाओगे या हैव का प्लूरल बनाओगे. हैव नॉट मतलब जो सक्षम नहीं है, तो ये तो चलो सही है, यहाँ तो हैव्स होगा, बट हैव नॉट में प्लूरल किसका बनाना है, कौन सा मेन वर्ड है. यहाँ पे मेन वर्ड हैव नहीं है, मेन वर्ड है जो सक्षम नहीं है. हम किस पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, नॉट पे, द पीपल हु आर नॉट प्रिविलेज, जो सक्षम नहीं है, तो मेन वर्ड इज नॉट, और हम लगाएंगे नॉट, मतलब नॉट पे एस लगाएंगे, सो दिस वन इज करेक्ट. हैव्स नॉट नहीं होगा, बिकॉज आपको लगेगा कि जब हैव्स में यहाँ एस लगेगा, तो हैव्स नॉट में भी यही लगना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हियर वी आर नॉट स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड हैव, वी आर स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड नॉट. तो हैव नॉट्स होगा, हैव नॉट्स, हैव नॉट्स इज द करेक्ट वर्ड. तो द कम, हाँ यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, इट शुडंट बी हैव्स नॉट, इट शुड बी हैव, वी हैव टू एम्फसाइज ऑन दिस नॉट्स, नॉट्स, नॉट्स. द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, वी डोंट हैव द प्लूरल ऑफ इक्विपमेंट्स. आपको लगेगा इक्विपमेंट का मतलब है टूल्स, अवजार, इक्विपमेंट्स इकट्ठे, जब भी हम इक्विपमेंट की बात करते हैं ना, तो इकट्ठे बहुत सारे अवजार हैं वहाँ पे, तो वी डोंट हैव द प्लूरल ऑफ इक्विपमेंट्स, वी हैव द प्लूरल ऑफ टूल. टूल का मतलब होता है ना, टूल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक अवजार की, जैसे आपने हैमर ले लिया, हथौड़े की बात कर रहे हैं, कोई स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहे हैं, बट इक्विपमेंट्स का मतलब है इकट्ठे सब की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इकट्ठे बहुत सारा चीज़ है, तो इसको इसको प्लूरल नहीं करोगे, क्योंकि अपने आप में प्लूरल है. और बट टूल का प्लूरल टूल्स होता है, टूल में तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया आपने, एक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का प्लूरल भी, वी कैन मेक द प्लूरल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज इंस्ट्रूमेंट्स. टूल का भी प्लूरल टूल्स होता है, बट इक्विपमेंट का प्लूरल इक्विपमेंट्स नहीं हो. ओके, तो यहाँ से एस हटाओ. नेक्स्ट, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड. बिना पढ़े किसी पेपर पे साइन नहीं करना है.
बहुत ब्यूटीफुल सा है यहाँ पे साइन। पहले तो चलो नीचे वाला सेंटेंस मैं तीन करवा देती हूँ, फिर हम इस पे चलेंगे, स्लाइड बदलूंगी मैं। एंग्री मॉब, एंग्री मॉब नहीं होगा, मॉब का मतलब ही होता है, मॉब इज अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। मॉब अपने आप में हिंसक लोगों की भीड़, मॉब में पीपल ऑलरेडी आर एंग्री, तो इसमें एंग्री लगाने की जरूरत नहीं। दिस इज सुपरफ्लुअस। ओके, मॉब का मतलब ही होता है हिंसक लोगों की भीड़, तो वी डोंट हैव टू यूज एंग्री। एंड देन शी वेयर स्पेक्टिकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्टिकल? ये है स्पेक्टिकल एंड दिस इज स्पेक्टिकल्स। जब भी किसी नाउन में एस लग जाता है द मीनिंग ऑफ दैट नाउन टोटली चेंजेस। ये स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, नजारा, साइट, दृश्य। ठीक है, इसका मतलब होता है दृश्य, नजारा, साइट। एंड व्हाट इज दिस स्पेक्टिकल्स? स्पेक्टिकल्स इज चश्मा। स्पेक्टिकल्स आर योर आई ग्लासेस, चश्मा को बोलते हैं। अब ये मत समझना कि एक चश्मा है तो स्पेक्टिकल और एक से ज्यादा है तो स्पेक्टिकल्स। अगर चश्मा का सेंस है ना, तो बिना एस का उसका मीनिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से एस हटाते हो ना, एस हटाते हो तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। एस हटेगा तो द मीनिंग वो बनेगा व्यू, दृश्य। बट स्पेक्टिकल्स है, इसमें वी हैव टू ऐड एस, एस, तभी ये आई ग्लासेस का सेंस आएगा। और इसे रिलेटेड ये याद रखना है, अकेला स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स अपने आप में प्लूरल होता है, स्पेक्टिकल्स आर। लेकिन अगर हमें इसको सिंगुलर बनाना है, इफ़ यू हैव टू मेक इट सिंगुलर, तो वी विल यूज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। बट इवन इफ हम इसको अ पेयर लगा के सिंगुलर बना रहे हैं, बट स्पेक्टिकल से एस नहीं हटेगा, रहेगा, क्योंकि एस हटा दोगे तो इसका मीनिंग तो नज़ारा वाला सेंस में चला जाएगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, बट अकेला स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, आर। अगर मैं पेयर्स लगा दिया, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स आर हो गया भाई, क्योंकि यहाँ यहाँ मेन वो स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, आर लगा है। बट अ पेयर लगा दिया, अब यहाँ का सब्जेक्ट स्पेक्टिकल्स नहीं है, अब यहाँ का सब्जेक्ट अ पेयर हो गया। प्रेपोजिशन के पहला वाला सब्जेक्ट होता अ पेयर, अ पेयर के साथ इज, और यहाँ देखो बहुत सारे पेयर्स है, सो दिस बिकम्स आर। तो यहाँ पे एस लगे, एस। विल बी डिस्कसिंग दिस, विल बी डिस्कसिंग दिस। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। क्राइटेरिया, क्राइटेरियंस कोई वर्ड होते ही नहीं। क्राइटेरिया मतलब मापदंड, जैसे आपके एग्जाम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है ना, इतना एज होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, उसको हम हिंदी में बोलते हैं एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड होता है किसी चीज़ को मेजर करने का। तो ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन जो है सिंगुलर है, ठीक है, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्राइटेरियंस होते हैं। ओके, वी डोंट हैव टू ऐड एस टू इट। जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन होता है, फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं होता, फिनोमिना होता है, उसी तरह क्राइटेरिया का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है, इट्स क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। तो एरर वहीं पे था। क्राइटेरियंस कोई वर्ड नहीं, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आएगा ना, और क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरिया। नाउ कम टू दिस वर्ड साइन। साइन हैज टू मीनिंग्स, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना हो। साइन, एक साइन वर्ब भी होता है और एक साइन नाउन भी होता है, ठीक है, एक साइन नाउन भी होता है, और एक वर्ड होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर, सिग्नेचर इज अ नाउन, ठीक है, यहां मैंने हस्ताक्षर के सेंस में लिखा, सिग्नेचर इज हस्ताक्षर, यू पुट योर सिग्नेचर, हस्ताक्षर। ओके, ये तो चलो नाउन है, बट ये साइन जो है ना, दिस इज अ वर्ब, जैसे बोलते हैं ना साइन ईयर, साइन ईयर, यहां साइन करो, तो ये तो वर्ब है। साइन ईयर, ये साइन, सिग्नेचर का मतलब है हस्ताक्षर, और दिस इज हस्ताक्षर करना, सो दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है, साइन वर्ब है और ये सिग्नेचर नाउन है, साइन करने के सेंस में। बट कभी कभी साइन भी नाउन का काम करता है, साइन भी नाउन का काम करता है, वहां साइन का मतलब क्या होता है, मार्क, चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह के सेंस में। जैसे आपने एरो का साइन देखते हो ना, एरो का साइन दिया हुआ है, क्रॉस का साइन दिया हुआ है, टिक का साइन दिया हुआ है, चिन्ह के सेंस में। तो साइन भी नाउन होता है
और सिग्नेचर भी नाउन होता है, बट साइन नाउन किस सेंस में होता है? मार्क के सेंस में, चिन्ह के सेंस में, और सिग्नेचर नाउन हस्ताक्षर करने के सेंस में होता है. एंड एवरी स्टूडेंट नोज कि दिस इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव. योर पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, नाउन आता है, ठीक है. पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और साइन भी नाउन होता है. बट साइन नाउन कब होता है? साइन नाउन कब होता है? जब चिन्ह के सेंस में, मार्क के सेंस में है. बट डॉक्यूमेंट्स में आपको मार्क नहीं लगाना है, किसी पेपर पे मार्क नहीं लगाना है, किसी पेपर पे आपको हस्ताक्षर करना है. नाउन चाहिए, बट चिन्ह भी नाउन होता है, बट हमें यहाँ साइन के सेंस में है तो हमें सिग्नेचर चाहिए. साइन तो वर्ब होता है, बट हमें हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है. बहुत सारा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, किसी और दिन हम सारे नाउन्स का जो क्वेश्चंस है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है. चलो अब सेशन को एंड करती हूँ. और बहुत सारे और भी, अभी तो मैंने आज नाउन करवाया, विल डू, फ्रेजल वर्ब्स, बच्चों के डिमांड्स, क्लोजेस को भी लेके आ रहा था. आने वाले सेशंस में वो भी आपको मिलेंगे. और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक शेयर, ओके. बेल आइकॉन है, बहुत का कंप्लेन होता है नोटिफिकेशन नहीं आता है, घंटी है प्रेस करो, नोटिफिकेशन आएगा. और जो जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत है वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है. मैसेजेस जो रेलिवेंट होते हैं उसको मैं पढ़ के एंड आई विल एग्जीक्यूट वो क्वेश्चंस में डाल दूँगी. ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.